हेलो एवरीवन, आज हम अपनी इस डेली करंट अफेयर सीरीज में देखेंगे जनवरी फर्स्ट वीक के सबसे महत्वपूर्ण 10 एमसीक्यू। इसके कट ऑफ होंगे 7। अगर आप 7 सही कर पाते हैं तो आप इस सीरीज में क्वालिफाई होंगे। 7-5 भी अगर सही कर पाते हैं तो भी क्वालिफाई होंगे, लेकिन हमने 7 रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की सीरीज। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोर्सेरा UPSC को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को बाघों का परिदृश्य माना जाता है, लैंडस्केप माना जाता है, जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। पहला कह रहा है शिवालिक हिल्स और गंगा मैदान में। दूसरा कह रहा है सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत लैंडस्केप क्षेत्र मतलब और पूर्वी घाट दोनों पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है उत्तर पूर्व की पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र मैदान में। चौथा सुंदरबन डेल्टा में। तो बताइए इनमें से कहाँ पाए जाते हैं बाघ। कल ये क्वेश्चन हमने पूछा था, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा था, ये दूसरे तरीके से। इसकी पूरे अच्छे से तैयारी हो जानी चाहिए, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को दोबारा इसमें डाल दिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। उम्मीद है आपने सही आंसर चयन कर लिया होगा। तो चलिए इसका सही आंसर है सी, 1, 2, 3, 4 मतलब सभी सही हैं। जिन लोगों ने सी चयन किया है उनका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें उसके पहले आप यहाँ देख लीजिए, इन सारे क्षेत्र में मतलब भारत में 5 लैंडस्केप हैं, टाइगर लैंडस्केप, जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। पहला शिवालिक हिल्स, गंगा के मैदान, मध्य भारतीय लैंडस्केप पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सुंदरबन। ये पूरे एक में है। यहाँ पे आप देखें पश्चिमी घाट, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व घाट, ये पूरे एक में है। मतलब 5 क्षेत्र को निश्चित किया गया है भारत के मैप में। अगर देखें तो यहाँ पे है ये पूरा रीजन नॉर्थ मतलब मध्य भारत और उत्तर पूर्व सॉरी पूर्वी घाट को समाहित किया गया। तो ऐसे 5 घाट बनाए गए हैं, 5 क्षेत्र जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट अनुपात मतलब वृद्धिशील पूंजी अनुपात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए, इसमें वृद्धिशील पूंजी मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट अनुपात अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश के स्तर और सकल घरेलू उत्पाद में परिणामिक वृद्धि के बीच का संबंध दर्शाता है। दूसरा कह रहा है आई कोर, जितना अधिक होगा पूंजी उत्पादन उतनी ही अधिक होगी। तीसरा कथन कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में आई कोर ने भारत में पर्याप्त गिरावट दर्ज देखी गई है। मतलब आई कोर में भारत में जो आई कोर भारत का है तो उसमें पर्याप्त गिरावट देखी गई है, तीसरा कथन ये कह रहा है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ए, 1 और 2, बी, 1 और 3, सी, इसमें केवल 1, डी, 2 और 3। उम्मीद है आपने सही आंसर चयन कर लिया होगा। तो चलिए हम पहले यहाँ समझ लेते हैं कि क्यों गलत हैं कौन कौन से सेंटेंस। आईकोर का पहले मतलब समझ लिए। आईकोर वो होता है जैसे कि अगर आईकोर मतलब आप 10 रुपया लगा रहे हैं किसी पूंजी किसी क्षेत्र में, और 10 रुपया लगाने के बाद जितना उत्पादन हो रहा है तो दोनों से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अगर 5 उत्पादन कर पा रहे हैं 5 यूनिट तो 2 आएगा। अगर आप यहाँ पे केवल 2 यूनिट उत्पादन कर पा रहे हैं तो 5 आ जाएगा आईकोर। तो ये होता है जितना ज़्यादा ये आप कम पूंजी लगा के जितना पूंजी में जितना ज़्यादा उत्पादन कर लेंगे अर्थात आईकोर जितना कम होगा उतना बढ़िया होता है। तो कि बी में कह रहा है कि अधिक आईकोर जितना अधिक होगा उत्पादन ही उतना अधिक होगा, जो कि गलत है, उल्टा है होता है रिलेशनशिप। आईकोर जितना अधिक होगा उत्पादन उतना कम होगा, आईकोर जितना कम होगा उत्पादन उतना ज़्यादा होगा, तो दूसरा गलत हो गया। अगर तीसरा देखें, तीसरा कथन कह रहा है पिछले 10 वर्षों में आईकोर ने भारत में पर्याप्त गिरावट दर्ज की है, जो बिल्कुल गलत है। भारत में पर्याप्त गिरावट नहीं दर्ज की है, अभी भी उतना ही बना हुआ है, 4.6 से लेकर 4.21 तक ही बना हुआ है, न कि इसमें गिरावट हो रही है ना ही वृद्धि, लगभग सेम ही बना हुआ है पिछले 10 वर्षों में, तो हम गिरावट बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो इसलिए 3 भी गलत है। इसका सही आंसर केवल सी है, जो कि सी सही बता रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के बीच संबंध बताता है कि आप कितना निवेश करेंगे तो कितना उत्पादन होगा। उत्पादन क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब एक देश की सीमा के अंतर्गत कितना उत्पादन हो रहा है वही होता है ना GDP। तो GDP मतलब कितना आप उसमें पूंजी लगा रहे हैं और कितना उत्पादन हो रहा है, तो दोनों के बीच का संबंध दर्शाता है। तो बिल्कुल सही है पहला, तो जिन लोगों ने सी लगाया था उनका सही है, और जिन लोगों ने अन्य सेंटेंस लगाया था मतलब इसमें अन्य चॉइस किया था उनका गलत होगा, सी केवल इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अगर देखना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, पूरे डिटेल दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। 5 ईयर मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2017-19 के बीच इतना था, और 18-19 में यहाँ पे दिया 4.6। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई खास वृद्धि और कमी नहीं देखने के लिए मिली है, मतलब वृद्धि हुआ है कमी नहीं हुआ है, और बाकी चीज़ें वहाँ पे दिया हुआ है देख लीजिएगा। मैंने तो ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, इनमें कोई खास चीज़ें तो थी नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा अगर देखना हो ज़्यादा डिटेल में। तो आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मांझौली द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें बताना है मांझौली द्वीप के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला सेंटेंस कह रहा है कि मांझौली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा और पुरातन नदी द्वीप है। क्या यह सही है।
दूसरा सेंटेंस कह रहा है, यह भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया है, मतलब भारत में पहला ऐसा द्वीप है नदी द्वीप जो जिला बना है। तीसरा सेंटेंस कह रहा है, मांजुली असमिया नौ वैष्णव संस्कृत का निवास स्थान है, मतलब यहाँ नौ वैष्णव संस्कृत के लोग निवास करते हैं मांजुली द्वीप में असम के। तो बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका सही आंसर चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया है उनका सही है, क्योंकि इसमें यहाँ नौ वैष्णव संस्कृत के लोग निवास करते हैं, यह भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप है नदी द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है। तो सभी इसमें सही थे, सी इसका सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2016 में बना था पहला आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट भारत में, जो कि असम वैष्णव कल्चर यहाँ पे लोग रहते हैं, न्यू वैष्णविक कल्चर रहते हैं लोग यहाँ पे, नौ वैष्णववाद के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अभी अन्य चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा हैबिटेट, मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं, जो कि एक नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में, काजीरंगा नेशनल पार्क इसके समीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, पहला कह रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 नगर निगम क्षेत्रों में से परे लागू होते हैं, और इनमें शहरी समूह, जनगणना समूह, भारतीय रेलवे के नियंत्रण वाले क्षेत्र, हवाई अड्डे, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दूसरा सेंटेंस कह रहा है, ये सभी शामिल होते हैं, मतलब अगला सेंटेंस कह रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की अच्छी तरह से स्थापना की और 80% से अधिक कचरे को संशोधित किया। तो बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है सभी सही, डी कह रहा है कोई भी सत्य नहीं है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सही आंसर का चयन किया होगा। तो इसमें अगर देखें तो जो दूसरा सेंटेंस है बिल्कुल गलत है, पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। हमारा जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 यह नगर निगम क्षेत्र से बाहर लागू होता है, न कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर, तो ये बिल्कुल सही है, ये इन सभी जगहों पर लागू होता है। दूसरा देखिए तो नॉर्थ ईस्ट अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अच्छी तरह से प्रभावी स्थापित करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लगभग 85% कचरे ऐसे होते हैं जिनको बिना ट्रीट किए ही नदियों में बहा दिया जाता है, या फिर वैसे इधर उधर डंप कर दिया जाता है, तो इसलिए ये न्यूज में था। और यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा जैसे ही गलत होगा हमें आंसर मिल जाएगा ए इसका सही आंसर, जिन लोगों ने ए लगाया है उनका सही है। अब देख लेते हैं इसके संबंधित कुछ विवरण यहाँ पे दिए हुए हैं, तो देख लो, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये नगर निगम से परे लागू होता है, अपशिष्ट प्रबंधन एवं जल अपशिष्ट तंत्र उपचार नहीं होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्रों में जो कि है वहाँ पे वो जो वहाँ जहाँ पे डंप किया जाता है वो ज़्यादातर है हमारे वेटलैंड के आसपास होने के कारण लोग ज़्यादातर वहाँ पे डंप करते हैं कचरा, और कचरा डंप करने की वजह से जो संवेदनशील क्षेत्र है, सभी लोगों को पता है वेटलैंड ज़्यादा संवेदनशील होता है, तो वहाँ पे वेस्ट जाने से उसका क्षरण हो रहा है, जिसके कारण ये न्यूज़ में था और हमने इसे क्वेश्चन बना दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं नदियों तालाब आद्र भूमि में जाकर ये जमा होता है, जिसकी वजह से प्रभाव पड़ता है, और WEF ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा कवर किया था। अब यहाँ पे देख लीजिए उत्तर पूर्व में कम से कम 85% कचरा बिना संशोधित किए ही डंप किया जाता है, जो कि हमने पहले बता दिया आपको। अब दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, नदियों के किनारे आद्र भूमि, जंगलों और जल निकायों सहित पर्यावरण के प्रति संवेदनशील कचरे को जलाया जाता है, मतलब ये जो कचरे होते हैं इनको नदियों के किनारे आद्र भूमि, जंगलों के किनारे, अन्य पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर जलाया जाता है, जिसका हमारे पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों पर भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। और चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, अगर वेटलैंड की बात करें तो भारत में कुल इस समय वेटलैंड हो गए 42 वेटलैंड है। अकॉर्डिंग टू WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने ये बताया है कि भारत में बहुत ज़्यादा ही खतरा है वेटलैंड को, किस किन चीज़ों से, ज़्यादातर रोड बनाए जा रहे हैं इनके वेटलैंड के आसपास क्षेत्र, उसकी वजह से खतरा है, वेजिटेशन नष्ट हो रहा है, और यहाँ पे सेलिनाइजेशन की वजह से, एक्सेस इम्यूनाइजेशन की वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वेसिव स्पीसीज मतलब वो विदेशी प्रजातियाँ दूसरे जगह की प्रजातियाँ आकर वहाँ पे अपना आवास बना रही हैं उसकी वजह से भी नष्ट हो रहा है, एक्सेस डेवलपमेंट एंड रोड बिल्डिंग मतलब रोड बनाए जा रहे हैं ज़्यादा वहाँ पे, शहर का विकास तो देख ही रहे हैं ज़्यादा तेज फैल रहा है, तो ये वेटलैंड वाले क्षेत्र में भी लोग लैंडफिल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये नष्ट हो रहा है वेटलैंड, तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने इसको हाईलाइट किया था और ये न्यूज़ में था। दिसंबर 2020 तक टोटल 42 वेट रामसर साइट भारत में है, तो अभी इन सारी बातों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ है। इसमें देखिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है कि किसी भी संप्रभु राज्य के झंडे को
मतलब जो भी जहाज जो झंडे को लगाया है वो बिना किसी अपवाद के अन्य राज्यों का हस्तक्षेप नहीं करता है, कोई भी अपवाद नहीं दिया गया है। मतलब जो राज्य जा रहा है, जो जिस राज्य का झंड मतलब जहाज जा रहा है वो बिना किसी अपवाद के दूसरे राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा सेंटेंस कह रहा है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ द सी अनक्लॉज, सीधे कहें तो ऑफ द सी के तहत संहिताबद्ध है, मतलब कोडिफाइड है। अगर तीसरा देखें, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने समुद्र के कानून पर संयुक्त सम्मेलन में पुष्टि नहीं की है, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है केवल एक और दो, बी कह रहा है एक और तीन, सी कह रहा है दो और तीन, डी कह रहा है सभी। उम्मीद है सभी लोगों ने सही कथन का चयन किया है। जिन लोगों ने इनमें अगर सी चयन किया है तो उनका सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कथन दिया हुआ था जो कि गलत था। कह रहा है यहाँ पे बिना किसी अपवाद के, जो कि गलत है। अपवाद कुछ दिए हुए हैं, अनक्लॉज में रूल दिया हुआ है कि किन किन कंडीशन में मतलब बिना हस्तक्षेप के भी जा सकते हैं, तो ये गलत हो गया। पहला गलत होते ही हम सीधे आंसर पर जा सकते हैं, इन सबको काट सकते, ए बी और डी को काट सकते, तो सीधे हमारा आंसर सी निकल जाता। जिन लोगों ने सी लगाया उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ब्यूरो दिया हुआ है, अनक्लॉज रूल जो आया था 1982 में आया था, तो इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों ने सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है, ये भी बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे छूट रहा था, हम बता दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपवादों के अलावा, कुछ अपवाद मतलब दिए हुए अनक्लॉज रूल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए NPCI इनमें से कौन कौन से सेवाएं देता है। पहला दिया हुआ है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, दूसरा दिया हुआ है चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम की जाँच करेगा। तीसरा दिया हुआ है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, मतलब NFS की सर्विस देता है। चौथा कह रहा है NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इन चारों की सर्विस देता है या नहीं NPCI, इनमें से किसकी सर्विस देता है, ये आप बताइए इनमें से कौन सा सही है। ए कह रहा है एक दो तीन, बी कह रहा है एक तीन चार, सी कह रहा है दो तीन चार, डी कह रहा है सभी। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया होगा। जिन लोगों ने डी चयन किया है एक दो तीन चार मतलब सभी, उनका सही है। NPCI इनमें से सभी की सर्विस देता है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस का भी देता है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम का भी देता है, ट्रांजेक्शन सिस्टम का भी देता है, नेशनल फाइनेंस स्विच का भी देता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का भी देता है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, NFS का फुल फॉर्म होता है, यहाँ स्विच होता है, सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे CTS इसका सिस्टम होता है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा आप लोग। हो सकता है NFS का तो जरूर रखिए, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो वहाँ पे दे देगा ट्रांजेक्शन सिस्टम, तो ज़्यादातर लोग गलत लगा देंगे सिस्टम, तो स्विच है वो, सिस्टम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वन भूमि के तहत 50% से अधिक भूमि अन्य राज्यों में क्षतिपूर्ति वनीकरण कर सकते हैं। मतलब पहला ये कह रहा है कि अगर किसी राज्य में 50% के लगभग वन है तो वो लोग दूसरे राज्यों के जो मतलब उनके पास है कैंपा फंड का जो पैसा है उसको लेकर के उनका यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं कि आपका वन हमारे वहाँ है, ये काम कर सकते हैं। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 75% से अधिक वन भूमि के अंतर्गत आते हैं। तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि को मोड़ दिया जाता है। मतलब अगर यहाँ पे वन में मतलब यहाँ पे वन क्षेत्र है, कोई अगर उद्योग स्थापित किया जाए तो इसको उठा के दूसरे में शिफ्ट किया जा सकता है, ये सेंटेंस तीसरा कह रहा है। और परियोजना प्रस्ताव को वन भूमि को बदलने के कारण खोई गई परिस्थिति तंत्र सेवाओं के लिए राज्य को भुगतान करना पड़ता है। अगर उस भूमि का जो वन भूमि है उसका उपयोग कर रहे हैं आप, तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है राज्य सरकार को। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है दो और तीन, डी कह रहा है सभी सत्य। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगाया होगा। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ये जो 75% का प्रोविजन दिया गया है ये गलत है, 50% का प्रोविजन दिया गया गलत है। 75% का प्रोविजन, अगर 75% किसी राज्य में है वन, तो वो दूसरे को अलॉट कर सकता है कि आपका वन हमारे वहाँ हो जाएगा, आप हमें कुछ फंड कर दीजिए, कैंपा फंड का पैसा हमें दे दीजिए, हम आपको इस वन का अधिकार दे देते हैं। तो ये कर सकते हैं अगर राज्य और केंद्र शासित का 75% वन भूमि है, उनके पूरे क्षेत्र का 75% पर वन है, तो वो लोग अलॉट कर सकते हैं। बाकी सारे सेंटेंस सही हैं, दो और तीन सही हैं, पहला केवल गलत है, तो इसका सही आंसर सी है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं 75% का प्रोविजन है, और यहाँ पे कुछ राज्य हैं जिनके पास 75% से अधिक है, जैसे कि वो लक्षद्वीप हो गया, मिजोरम हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम सॉरी मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये इस श्रेणी में आते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार आप ये जो यहाँ पे मान लीजिए वन है इसका उपयोग कर रहे हैं औद्योगिक प्रक्रिया के लिए, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा राज्य सरकार को। यहाँ पे यही चीज़ें दिया हुआ है। अगर देख लें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रतिभूमि सबसे ज़्यादा है। अगर पूछ ले कि निम्न में से किन राज्यों में प्रतिभूमि सबसे अधिक है, तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रतिभूमि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाउंडेड रेट या बाउंड टैरिफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है। तो ये कह रहा है, पहला सेंटेंस कह रहा है कि बाध्य दर या टैरिफ शुल्क की अधिकतम दर जो आयात किए गए देश द्वारा आयातित वस्तु पर लगाया जाता है, इम्पोर्टेड जो आयात किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है, उन पर लगाया जाता है। पहला सेंटेंस ये कह रहा है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन में किसी भी वस्तु के लिए सहमत सीमा दर विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के लिए समान है। बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है दोनों सही हैं, डी कह रहा है कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगाया होगा। इसका सही आंसर होगा केवल एक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है सभी सदस्यों के लिए समान रूप से लागू होता है, ये गलत है। बताइए ये होता है कि एक वस्तु अलग अलग वस्तु मतलब अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर से लगाया जाता है, अलग अलग देश पे अलग अलग दर से लागू होता है, मतलब कोई कई देश एक दूसरे पे अलग अलग दर से लगा सकते हैं। एक पर्सन टू सॉरी कंट्री टू कंट्री और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वरी करता है ये। तो इसका सही आंसर था केवल एक, एक केवल ए में दिया हुआ, तो ए जिन लोगों ने लगाया उनका सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देश दरें देश से देश, वस्तु से वस्तु अलग अलग होती हैं, तो इसलिए गलत हो गया। पहला तो बिल्कुल सही है, आयात किए गए आयातित वस्तु पर लगाया जाता है, ये बिल्कुल सही था। बाउंडेड रेट से ऊपर, ये चीज़ याद रखिएगा, बाउंडेड रेट जो होता है उससे ऊपर कोई देश कर नहीं लगा सकता। जो टैक्स है टैरिफ वो एक लिमिट फिट कर दी जाती है, उस लिमिट से नीचे ही लगाना है, उस लिमिट से ऊपर नहीं लगाना रहता है। तो ये कौन सेट करता है? WTO सेट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है, उसके नीचे ही लगाना रहता है, उससे ऊपर नहीं, बाउंडेड रेट। तो चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में शामिल है, बताइए नैनो प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में किन किन में उपयोग किया जा सकता है। पहला कह रहा है कीटनाशकों, उर्वरकों एवं अन्य एग्रीकेमिकल का अधिक कुशल वितरण के लिए। दूसरा कह रहा है मिट्टी की स्थिति और फसल की निगरानी के लिए। तीसरा सेंटेंस कह रहा है पशु एवं पौधों में पौधों के रोग जनकों का पता लगाने के लिए। चौथा कह रहा है एक नियंत्रित तरीके से विकसित विकास हार्मोन मतलब डेवलप हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को यूज करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, प्रदान करने के लिए पौधों को, इसका उपयोग किया जा सकता है नैनो प्रौद्योगिकी को। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। ए कह रहा है केवल एक दो तीन सही हैं, बी कह रहा है एक तीन चार सही हैं, सी कह रहा है दो तीन चार सही हैं, डी कह रहा है सभी सही हैं। देखिए ये को इस तरह का क्वेश्चन UPSC 2020 में भी प्रीलिम्स में पूछ चुका है ड्रोन को लेकर के। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको MMM करके पूछ सकिए समझ सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर जिन लोगों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी का। आप यहाँ पे देख लीजिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इतने सारे सेक्टर में किया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग में उनको प्रिजर्व करने के लिए किया जा सकता है, फूड पैकेजिंग में भी किया जा सकता है, ड्रग सप्लाई में भी किया जा सकता है, इतने सारे सेक्टर मतलब हर तरीके से किया जा सकता है। DNA को उनका ट्रांसप्लांट कर सके, ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में GM क्रॉप जैसे समझ लीजिए, उन सब में भी उपयोग किया जा सकता है इनका। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ब्रॉड सेक्टर है जहाँ पर उपयोग किया जा सकता है, इसलिए सभी सही थे। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक राजनीतिक अधिकार ICCPR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सिविल एवं पॉलिटिकल राइट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक बहुपक्षीय संधि है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है इसके पक्षधरों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है, जिससे उचित प्रक्रिया एवं उचित परीक्षण के भी अधिकार शामिल हैं। तीसरा सेंटेंस कह रहा है ICCPR ह्यूमन राइट के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का हिस्सा है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है केवल एक और दो, बी कह रहा है एक दो तीन, सी कह रहा है दो और तीन, डी कह रहा है एक और तीन, इनमें से कौन सा सही है आप बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया होगा, जिन लोगों ने बी का चयन किया है उनका सही है। क्यों? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक संधि है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीलेटरल ट्रीटी है, अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट
ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये रिस्पेक्ट करता है किनका किनका, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत के एक नागरिक और राजनीतिक अधिकार, इंक्लूडिंग राइट ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब वाक अभिव्यक्ति का अधिकार, फ्रीडम ऑफ असेंबली मतलब संगठन बनाने का अधिकार, इलेक्शन का अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, ये सारे अधिकार किसके अंतर्गत दिए गए हैं, ICCPR के अंतर्गत। इसके साथ साथ यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ICCPR इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट, ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट का भाग है, और इसके साथ साथ ये भी इसमें है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट ICESCR का भी ये भाग है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का भी भाग है UDHR का। इसकी निगरानी कौन करता है, तो इसकी निगरानी करता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी, इसकी निगरानी करती है। तो हो सकता है UPSC में आपसे पूछ ले किसकी निगरानी, कोई और संस्था का नाम दे दे, तो आप इसे नोटिस करिएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी इसकी निगरानी करती है। तो जिन लोगों का अगर 7 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना इसमें सही किया। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सिर्फ देखने के लिए धन्यवाद।